डेटा साइंस में डेटा को समझना जरूरी है और डेटा को वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं इनसाइड पाइथन यह भी आपको समझना जरूरी है ये सब तो आपने सीख लिया पिछले लेक्चर में अब जिस बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज व्हेन टू यूज विच वेरिएबल चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्रीन आपके सामने हाजिर है अब सबसे पहले जो हमारे पास वेरिएबल आता है वो है जनाब इंटीजर जिसे इंट बोला जाता है ये हम यूज़ करते हैं व्हेन यू नीड टू वर्क विद द होल नंबर्स विदाउट अ फ्रैक्शनल कंपोनेंट जैसे आपने काउंट कर लिया आइटम्स नंबर ऑफ पीपल प्रोडक्ट्स एंड इवेंट्स ठीक है या आपने इंडेक्स करने एलिमेंट्स इन अ लिस्ट तब भी आप क्या करते हैं इंटीजर्स को यूज करते हैं एंड यू ऑल्सो यूज इंटीजर्स फॉर डिस्क्रीट कैलकुलेशन यानी कि एज क्वान्टिटी या किसी चीज की अमाउंट को देखना इन डिस्क्रीट नंबर्स यानी कि होल नंबर्स के अंदर ठीक है इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है कि हम पोजिशन देखना किसी भी बड़ी लिस्ट की वी विल सी दैट इन नेक्स्ट लेक्चर्स बट फॉर नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स आर फ्लोट नंबर फ्लोट नंबर क्या होते हैं ये बेसिकली अनदर डेटा टाइप है जिसको हम वेरिएबल्स के अंदर भी कंसिडर करते हैं यूजली वेरिएबल्स की वो टाइप जो फ्लोट नंबर होती है इसमें आप रियल नंबर्स uh, को यूज करते हैं दैट इंक्लूड डेसीमल्स और फ्रैक्शंस हमारे पास इंटीजर्स के अंदर फ्रक्शनस नहीं होती इसमें फ्रैक्शंस होती हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल वेट हाइट एंड टेंचर के लिए या फाइनेंशियल कैल कैलकुलेशन के लिए प्राइस होगी डिस्काउंट्स हो गए टैक्स रेट्स हो गए या साइंटिफिक डेटा को जब हम मेजर करते हैं डिस्टेंस होगी स्पीड हो गए डेंसिटी होगी विलॉसिटी होगी एंड सम अदर काइंड ऑफ डेटा सेट्स ठीक है तो फ्लोट हम तब यूज़ करते हैं फिर आते हैं ये हमारे पास स्ट्रिंग स्ट्रिंग तब यूज़ की जाती है जब हमने नेम्स को देखना हो सीक्वेंसेस को देखना हो आइडेंटिफाइर्ज को देखना हो कैटेगरीज को देखना हो एड्रेसेस को देखना हो ई को देखना हो एरर मैसेजेस का डेटा स्टोर करना हो या स्टेटस अपडेट्स वगैरह देखने हो प्लस प्रोडक्ट्स के कोड्स देखने हो ऑर्डर नंबर्स देखने हो या ऐसी चीज़ जो हमारे पास इंग्लिश या करैक्टर्स के अंदर लिखी जाए उसको बोला जाता है स्ट्रिंग और उसको यूज़ करके करने के लिए हम स्ट्रिंग्स को यूज कर सकते हैं ठीक है थीके? उस डेटा को स्टोर करने के लिए और उस डेटा को यूज़ करने के लिए देन हमारे पास अगला जो है वो यूज ऑफ बुलियन ऑपरेटर बुलियन डेटा वेरिएबल्स या डेटा स्ट्रक्चर जो हैं उनको हम कहाँ पर यूज करते हैं वो हम देखते हैं ऑफकोर्स ये वेरिएबल के अंदर भी हम स्टोर कर सकते हैं एज अ डेटा स्ट्रक्चर बट यूज ऑफ बुलियन इज टू रिप्रजेंट ट्रूथ वैल्यूज फॉर एग्जाम्पल ट्रू और फॉल्स डिसीजन मेकिंग के लिए या लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए इसे यूज किया जाता है से फॉर एग्जाम्पल स्टेटस फ्लैग्स फॉर एग्जाम्पल वेदर अजर इज लॉग्ड इन और लॉग्ड आउट येस और नो ठीक है स्टेटस देखना उसका लॉग्डिन है लॉग्ड आउट है कोई बंदा घर पे है या नहीं है कोई बंदा आज क्लास में आया या नहीं आया ठीक है प्रेजेंट या एबसेंट इस तरह की चीजों को हम स्टेटस फ्लैग्स को देखने के लिए हम ये वाली चीज यूज करते हैं या कंडीशनल चेक इफ अ प्रोसेस इज कम्प्लीट और इफ अ डोर इज ओपन हाँ खिड़की खुली है कि बंद है इसमें यह नहीं होगा कि हल्की सी खुली है यू कैन नॉट से दैट आइदर इज क्लोज और इज ओपन हल्की सी खुली है तो खुली तो है ना विंडो तो इट्स इज समथिंग लाइक दैट दरवाजा खुला हुआ है या बंद है ये इस तरह की चीजें हम इसमें देखते हैं देन यू हैव बाइनरी स्टेट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्टेट को देखते हैं यस और नो ऑन और ऑफ जीरो और वन ये सारी की सारी चीजें जो है ये बुलियन ऑपरेटर्स के अंदर यूज की जाती हैं और बुलियन डेटा स्ट्रक्चर जो है रिप्रेजेंट करता है ट्रू और फॉल्स के बेस पे और अगर वेरिएबल में ये डेटा स्टोर हो तो उसको हम बुलियन वेरिएबल बोलते हैं नेक्स्ट चलते हैं जो हमारी अगली टाइप पे विच इज लिस्ट लिस्ट आर यूज वैन यू नीड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन एन ऑर्डर्ड फॉर्म विच कैन बी चेंज यू आर म्यूटेबल ठीक है इट कैन कंटेन एनी डेटा रही है फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग कार्ट टू डू लिस्ट बनाने के लिए हम लिस्ट को करते हैं स्टोरिंग ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स या ग्रुपिंग रिलेटेड डेटा फॉर एक्जाम्पल नेम्स स्कोर सेंसर्स रीडिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स को जब हम ग्रुप करते हैं देन वी कैन यूज लिस्ट हम डायनेमिक कैल्कुलेशन के लिए या कलेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एडिंग और रिमूविंग आइटम फॉर समथिंग ठीक है टू डू लिस्ट मैंने बनाई है आज की मैंने यह काम करना है यह काम करना है यह काम करना है यह काम करना है यह करना है जो काम होता है उसे निकालता जाऊंगा टू डू लिस्ट हमारी छोटी होती जाएगी बट स्टिल इट्स अ लिस्ट और यह क्योंकि म्यूटेबल है इस वजह से वी कैन वर्क ऑन दैट ठीक है जी नेक्स्ट हमारे पास होता है टूपल टूपल हम तब यूज करते हैं वेन यू नीड एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स दैट शुड रिमेन इनम्यूटेबल कैन नॉट चेंज आफ्टर द क्रिएशन इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं जैसे ग्रुपिंग रिलेटेड बट अनचेंजेबल डेटा फॉर एग्जाम्पल कॉर्डिनेट्स डेट्स जो हम डेट तो नहीं ना चेंज कर सकते अगर आज कोई पैदा हुआ है डेट ऑफ बर्थ उसकी चेंज तो नहीं ना हो सकती सो समथिंग लाइक दैट जो फिक्सड है वी कैन नॉट चेंज दैट रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव पोजिशन और विलॉसिटी जो हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज दें विद इन अ फंक्शन और फ्रॉम अ फंक्शन उसको हम uh, जो है वो ट्यूबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं वी कैन नॉट वी चेंज ग्रुपिंग और uh, मैं इसको बोलूंगा ग्रुपिंग सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशन कांस्टेंट्स जितने भी कांस्टेंट्स हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू हम चेंज तो नहीं ना कर सकते 3.14 है वी कैन नॉट चेंज दैट इसी तरीके से बाकी भी हमारे पास काफ़ी कांस्टेंट्स हैं जिनको हम कॉन्सटेंट रखते हैं एंड वी कैन नॉट चेंज उन्हें हम ट्रुपल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं ठीक है देन वी हैव डिक्शनरी डिक्शनरी हम तब यूज़ करते हैं वेन वी एक्चुअली नीड टू स्टोर की एंड वैल्यूज पेयर एक की है एक वैल्यू उनका पेयर को जब हमने स्टोर करना है अलॉन्ग यू टू मैप यूनिक कीज टू स्पेसिफिक वैल्यूज फॉर एग्जांपल स्टोरिंग कॉन्फ़िगरेशन और सेटिंग फॉर एग्जांपल डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन या एपीआई क्रेडेंशियल्स वगैरह स्टोर करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं विच इज़ काइंड ऑफ हाई लेवल थिंग दूसरी चीज ये एसोसिएटिंग इन्फॉर्मेशन विद आइडेंटिफायर फॉर एग्जाम्पल फोन बुक के अंदर नेम आपने लिखा है और उसका नंबर है ठीक है नेम दूसरे बंदे का और उसका नंबर है सो so, एक की है एक वैल्यू एक की एक वैल्यू मेरा नाम अमार है मेरा मोबाइल नंबर क्या है वो आपने स्टोर किया दैट्स एक्चुअली की एंड वैल्यू किसी और का किया की एंड वैल्यू किसी और का किया की एंड वैल्यू तो ये फोन बुक जो है ये बेसिक एग्जाम्पल है आपकी डेटा स्टोरेज की डिक्शनरी के अंदर देन यू हैव प्रोडक्ट डिटेल्स फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोडक्ट की किसी डिटेल्स को अगर आप लिखना चाहें तो आप उसको भी वैल्यू और की के अंदर स्टोर कर सकते हैं ग्रुपिंग मल्टीपल रिलेटेड एट्रीब्यूट्स को भी हम देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यूज़र की प्रोफाइल जो मेरी प्रोफाइल है फेसबुक पे उसके ऊपर मैं क्या क्या अपलोड कर रहा हूँ उसको रिलेटेड चीज़ों को हम ग्रुप करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है प्रोडक्ट कैटलॉग्स को हम बनाने के लिए की एंड वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं यूजअली टू डायमेंशनल डेटा जितना भी है आपका जो एक्सेल की शीट के अंदर है उसको अगर आप डेटा फ्रेम बनाना चाहें सो यू कैन ऑक्चुअली स्टोर दैट एज ए की ए वैल्यू ठीक है मैं अब आपसे पूछता हूँ जितने भी लोग यहाँ पे मेरे से ये क्लास में पढ़ रहे हैं कैन यू टेल मी योर नेम नेम तो हो गया की जितने लोग मुझे उसकी वैल्यू देंगे दीज विल बी ऑल वैल्यूज ठीक है अब एक बंदे का नेम क्या है फॉर एग्जाम्पल अब है उसकी जो आगे वैल्यू आएगी अब अगला क्वेश्चन मेरा ये आता है नेम तो आपने बता दिया आपकी एज कितनी है सो so, मैं नेम एंड एज की बेस पे आपकी वैल्यू स्टोर करता जाऊंगा एंड देन वी विल हैव टू डिमेंशनल डेटा सेम चीज की एंड वैल्यूज के अंदर आप कर सकते हैं ठीक है डिक्शनरीज के साथ नेक्स्ट वी हैव सेट वी यूज सेट वन यू नीड टू स्टोर यूनिक आइटम्स विदाउट डुप्लीकेट्स और डोंट नीड एन ऑर्डर कलेक्शन ठीक है सो इसमें डुप्लीकेशन नहीं हो सकती टैग्स हो गए कैटेगरीज होगी आईडीज होगी जितनी भी यूनिक वैल्यूज हैं आपका अकाउंट नंबर्स हो गए सेट के अंदर आप अपने अकाउंट नंबर यूनिक वैल्यूज के स्टोर कर सकते हैं या आप इसके अंदर ऐसी भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं जो डुप्लीकेट हो ही नहीं सकती जैसे सी एन आई सी नंबर या मेरे फिंगरप्रिंट्स या कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल यूनिक है दीज काइंड ऑफ थिंग्स सेट ऑपरेशन फॉर एग्जाम्पल यूनियन इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस इसके अंदर हम कर सकते हैं अगर आप मैथमेटिक्स को जानते हैं देन यू नो देर आर सम काइंड ऑफ सेट और उन सेट ऑपरेशन के अंदर आप मल्टीपल किस्म के सेट ऑपरेशन जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं आई एम होपफुल कि आपको पता होगा सेट ऑपरेशन क्या होते हैं अगर नहीं पता सो दीज काइंड ऑफ ऑपरेशन जिन्हें जब आप अप्लाई करते हैं फॉर एग्जाम्पल यूनियन हो गया इंटरसेक्शन हो गया दीज काइंडसिक मैथमेटिक मैथमेटिक्स के ऑपरेशन आप सेट्स पर अप्लाई करते हैं बट स्टिल इफ़ यू डोंट नो कि ये क्या होते हैं नो वरीज एट द मोमेंट हम लेटर ऑन इसको स्टडी करने वाले हैं

प्लेस होल्डर फॉर ऑप्शनल पैरामीटर्स और मिसिंग डेटा को भी स्टोर करने के लिए या बयान करने के लिए हम देखते हैं एंड देन वी यूज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंटिंग द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन दैट डजेंट रिटर्न अ मीनिंगफुल वैल्यू ठीक है उसको भी हम नन के साथ रिप्लेस कर देते हैं अब मिसिंग वैल्यूज जो हैं ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है खासतौर पे डेटा साइंस का इस वजह से नन टाइप डेटा स्ट्रक्चर जो है ये एक इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है फॉर डेटा साइंटिस्ट ठीक है कीप इन माइंड के मिसिंग वैल्यूज़ के ऊपर हम अच्छा खासा काम करने वाले हैं then at the end we have complex number या variable complex को हम तब use करते हैं when we are dealing with complex numbers numbers with a real and imaginary part for example scientific calculations के लिए जिसमें imaginary numbers आते हैं या engineering and physics की simulations के लिए या हम algebraic linear algebra या pre algebra के अंदर या algebraic equations के अंदर जब हम कोई भी calculation करना चाहते हैं at that point we use complex numbers ठीक है या complex variables और इनको store करने के लिए हम complex variables को ही design करते हैं तो इसकी जो summary है वो आपके सामने

लिस्ट के अंदर आपकी डायनामिक कैलकुलेशन होगी ऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल होगी ट्रुपल के अंदर इम्यूटेबल यानी कि आप चेंज नहीं कर सकते और आपके पास डिक्शनरी के अंदर की एंड वैल्यूज होती हैं सेट के अंदर आप यूनिक वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं नन टाइप के अंदर आपके पास प्लेस होल्डर होते हैं खाली डिब्बे होते हैं या खाली वैल्यूज होती हैं खाली वेरिएबल होता है जिसमें कुछ नहीं होता लेकिन समथिंग यू आर गोइंग टू एड दैट तो ये अपसेंस ऑफ वैल्यू को बताता है एंड देन यू हैंडल साइंटिफिक कैलकुलेशन विद द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल टाइप ये थे जो कुछ एग्जाम्पल्स जहाँ पे आप स्पेसिफिक डेटा टाइप को क्यों एक वेरिएबल में और कैसे स्टोर करते हैं या वो डेटा टाइप किस तरीके से कंप्यूटर हैंडल कर रहे हैं दैट्स हाउ यू नीड टू लर्न कि आपका जो ईच वेरिएबल है कैसे यूज़ हो रहा है फॉर एग्जांपल यूज़ ऑफ ईच वेरिएबल इज़ एक्चुअली डिफाइंड बाय द कंडीशन या आप ये कह सकते हैं कि वो वेरिएबल कहाँ से आया कैलकुले कलेक्शन मैथड क्या था एंड हाउ वी आर स्टोरिंग दैट ये सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है कि वेरिएबल टाइप कौन सी होगी और कहाँ पर यूज़ होगी इसके एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ अगर मैं नामों का डेटा रखूंगा देन आई हैव टू यूज स्ट्रिंग वेरिएबल्स ठीक है स्ट्रिंग को मैं लिखूंगा और स्ट्रिंग को यूज़ करूंगा अगर मैं ये नामों को चेंज नहीं करना चाहता फिक्सड है देन आई विल यूज ट्रिपल अदरवाइज आई कैन मेक दैम इन अ लिस्ट ठीक है सो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए कि किस तरीके से कौन सा वेरिएबल कहाँ पर यूज़ हो रहा है सी यू इन द नेक्स्ट वन सब्सक्राइब कर लीजिएगा